आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चिड़िया का दाना। प्राचीन काल में कहानियों द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। इन कहानियों में उस समय की स्थितियों और अनुभवों का वर्णन मिलता है। एक लोक कथा इस प्रकार है। बच्चों कहने का मतलब, ये कहानी बहुत ही प्रचलित है और पुराने ज़माने में भी इसको अपने बच्चों को सुनाने के लिए लोग गांव में लोग कहते थे। वही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने के पहले नहा लूँ। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इस ज़मीन पर छोड़ दे तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई पंछी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला मैं तुम्हारी नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारी मटर का दाना गिर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बड़ाई पुल की मरम्मत कर रहा था, मैंने उससे कहा कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया अथवा कहीं गिर गया है। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके, मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है, तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर गई। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करेंगे। थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो, जानती नहीं मंत्री जी दौरे पा रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद न किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी। तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या, यह कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। वह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोला, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे। मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वो मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है, यह कहकर मंत्री भी वहाँ से खिसक लिया। चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने उसे भलमानस सत से तो बात की। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका, बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। वह तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा था और चिड़िया उसे रोक रही थी। उसने चिड़िया की बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से कौन बड़ा है, ऐसे क्रूर राजा के रहते में अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई। सोचती हुई निराश बैठी थी कि उसने देखा कि एक चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई।
चींटी बोली, बहन मैं अभी आती हूँ जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूँगी। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूँगा। तब हो सकता है कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिर कर मर जाए। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया, और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया और चिड़िया ने खूब छक कर भोजन किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हुई। अब इसके कुछ मुख्य शब्द अर्थ को आप समझ लीजिए। तनख्वाह, तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन। भल मनसाहत का अर्थ होता है सज्जनता। क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी। वायदा का अर्थ होता है वचन। अभियुक्ति जिसके ऊपर किसी प्रकार के अपराध का आरोप लगा हो। बंदोबस्त का अर्थ होता है इंतजाम या व्यवस्था। धृष्टता का अर्थ होता है ढिठाई करना या उदृढ़ता करना। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।